नमस्कार दोस्तों। आज मैं न्यूटन के गति नियम के बारे में बताने वाला हूँ। क्या होते हैं न्यूटन के गति नियम और कैसे ये काम करते हैं। न्यूटन के गति नियम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले तीन सबसे अहम नियम हैं। न्यूटन ला किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उस बल के कारण वस्तु की गति में हुए परिवर्तन के बीच संबंध बताते हैं। न्यूटन के गति के इन तीन नियमों को कई बार सिद्ध किया जा चुका है। चलिए बात करते हैं न्यूटन के बारे में, जिनका पूरा नाम सर आइजक न्यूटन है। वे एक भौतिक विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया को बताया था। न्यूटन के गति के तीन नियम दिए, जो इस प्रकार है। न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था यानी कि स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिशील है तो तब तक एक समान गति में की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर उसे स्थिर न किया जाए। दोस्तों चलिए अब इसे एक उदाहरण से देखते हैं, यानी कि उदाहरण से हम इसे समझते हैं कि न्यूटन के पहले गति नियम क्या कहते हैं। उसको दूसरे शब्द में इस प्रकार कह सकते हैं, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तब उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, था इसके विपरीत जब कोई चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है तब उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जब हम किसी कार में यात्रा करते हैं तो चलती हुई कार के सापेक्ष हमारा शरीर गति की अवस्था में रहता है, परंतु जब ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बना रहना चाहता है। इसलिए हमारा शरीर ब्रेक लगने पर आगे की तरफ तेजी से झुक जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके, इससे कम चोट लगती है। तेज घूमती गेंद में उसके वेग के कारण संवेग की मात्रा अधिक होती है, इसलिए गेंद में काफी बल होता है। गेंद पकड़ हाथ पीछे खींचने से गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। दोस्तों चलिए न्यूटन के तीसरे गति नियम की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है ये न्यूटन का तीसरा गति नियम? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। चलिए इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। पहले उदाहरण में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब बंदूक से गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। यदि बंदूक ठीक से न पकड़े तो कलाई टूट सकती है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। दूसरे उदाहरण में मैं आपको पानी में खड़े नाव से जब जमीन पर आदमी कूद जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। ये भी हमें न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। दोस्तों ये हैं न्यूटन के तीनों गति नियम।
आशा करते हैं कि आपने इन नियमों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो दोस्तों, और भी अच्छे अच्छे वीडियो और नॉलेज से भरे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए बस आपको इतना करना है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें।